इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां प्रदीप हुड्डा पर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार पांचवी बार हरियाणा जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो अपने साहसिक फैसलों, निष्पक्ष छवि के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का अग्रणी योगदान रहा है, जिन्होंने हरियाणा को कई कर्मठ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि भारत को उप प्रधानमंत्री भी दिया। इसके साथ साथ कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी दिए जिन्होंने समाज को अलग दिशा देने का काम किया। इनमें से ही एक नाम ऐसा है जो बहुत ही निष्पक्ष और निडर रहा। इसकी वजह से ही उनको हरियाणा जाट महासभा का लगातार पांचवी बार प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम है प्रदीप हुड्डा। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं कि कहानी को सत्यार्थ करते हुए प्रदीप हुड्डा अपने छात्र जीवन के दिनों से समाज सेवा, गौरक्षा, महिला सशक्तिकरण, दृढ़त्या, भ्रष्टाचार और आर्थिक एवं आरक्षण जैसे मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं। सभी उच्च अधिकारियों और राजनेताओं से संपर्क होने पर भी उनसे कभी उसका फायदा ना लेकर सिर्फ जाट ही नहीं बल्कि अन्य बिरादरी की समस्याओं को अच्छे से सुनना और उनका समाधान करवाना, किसी भी पार्टी के नेताओं या उच्च अधिकारियों के सामने संगठन के पक्ष को मजबूती से रखना उनके दमदार व्यक्तित्व की खूबियां रही हैं। पांचवी बार हरियाणा जाट महासभा के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली युवा विंग और महिला विंग को भंग कर दिया गया और अब नई युवा विंग और महिला विंग की सूची जारी होने वाली है। उनका कहना है कि हरियाणा जाट महासभा के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 3 इकाइयों, कानूनी प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ और चिकित्सक प्रकोष्ठ का गठन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में हर आम आदमी को निशुल्क कानूनी मदद, निशुल्क चिकित्सा और गरीब बच्चों को शिक्षा में निशुल्क मदद मिल सके।